ये लगातार तीसरा दिन है आज, पानी बहुत बरस रहा है। आज तीसरा दिन है और इतनी बारिश कोलकाता में हो रही है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि कोलकाता के मौसम की अभी क्या हालत हो रही है। तो ऊपर से त्यौहार भी है और बाज़ार हाट करना, सब जगह जाना, सामान लाना, इसी कीच कादा में हम लोगों को सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने दो ग्लास पानी को गर्म कर लिया है और आज मैंने ले लिए थे ये लहसुन की चार कली, तो छोटी छोटी सी है और वीक में एक से दो दिन ये मैं लहसुन ले लेती हूँ। और ये जो लहसुन है इसको रात में छील के मैंने एक कप पानी में भिगो दिया था, नॉर्मल पानी में। उससे इसकी जो तासीर जो इतनी गर्म होती है, जो बॉडी को हीट करती है, ये अंदर से गर्म करती है, वो नहीं करेगी और हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, इंसुलिन बहुत अच्छा बनाती है शरीर में, हार्ट के किसी भी तरह के ब्लॉकेज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा रहता है लहसुन। और जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, उन सब में काफ़ी राहत मिलती है इससे। बट ये है कि सप्ताह के सातों दिन नहीं लेना है, मैं भी वीक में दो दिन ही लेती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग। तो बस यहाँ मैंने पानी पीने के बाद में सिर्फ और सिर्फ मंदिर के सामने ही मैंने पोछा लगाया है और उससे पहले जो झाड़ू वगैरह करती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ। अभी कितनी स्लो थी बारिश, कितनी तेज़ हो गई है बारिश। ये लगातार तीसरा दिन है आज, पानी बहुत बरस रहा है। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और पूरा अंधेरा होके रखा हुआ है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि शाम हो रही है। छुटपुट अंधेरा जो नहीं हो जाता है, पूरे घर में अंधेरा है। अब पूजा करने जा रही हूँ, अब लाइट जलाई है मैंने। मौसम का जो हाल है ना, और एक वो जो तूफान दाना आने वाला था वो तो फिलहाल आया नहीं है, दूसरी जगह से होके निकल गया है। यहाँ आने की बात थी मगर आया नहीं। सुबह से पूरा अंधेरा होके रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है। ऐसे मौसम में क्या लगता है ना, थोड़ा शरीर में आलस आलस लगता है, ऐसे लगता है चुपचाप सोते रहो और या फिर गर्मा गर्म कुछ पकौड़े वकौड़े बना के कुछ ऐसा खाओ, ऐसा अच्छा लगता है ना चाय के साथ। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद में आज हमारे नाश्ते में बनेगा ब्रेड पकौड़ा। जब से इस घर में मैं आई हूँ तब से ये फर्स्ट टाइम ब्रेड पकौड़ा बना है।
ब्रेड पकौड़ा बनाया ही नहीं है। ब्रेड पकौड़ा तभी ज़्यादातर बनता है जब चिंकी रहता है, क्योंकि कोई भी फ्राई चीज़ आंचल बोलती नहीं है बनाने के लिए और ना ही खाती है। और कभी कभार मैं बना के जैसे जिद करती हूँ कि बेटा सबने खाया, एक तू भी खा ले, तब भले ही एक आध खा लिया, वरना वो बोलती ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। चलिए मैं तो बात करना शुरू करूँ आपसे तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं। जा रही हूँ पहले पूजा करूँ, मम्मी को बोल दिया कि आइए साथ में चाय वाय पियेंगे। ब्रेड पकौड़ा का कुछ तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो एक एक ले लेंगे। और हमारी सोसाइटी में भी नीचे कहीं कहीं जैसे पानी भर गया और बाज़ार के लिए हम निकले तो मतलब क्या ही बताऊं कि कितना पानी रोड में भरा हुआ था। क्योंकि एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, कंटिन्यू मतलब बारिश हो रही है। और शुक्रवार को तो इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि शायद ही एक सेकेंड के लिए भी बंद हुई हो, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। तो एक रात पहले मैंने जो ब्रेड पकौड़ा पूरा सेट करके रख दिया था फ्रिज में, तो वो इतने सारे बच गए थे, 5 बचे हुए थे, मैंने 8 बना के रखे थे। तो रात में सिर्फ और सिर्फ चिंकी नहीं फ्राई करके खुद से खाया है, आंचल ने तो वो भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाले बना दूँ, और थोड़ा सा आलू और बचा हुआ था तो मैंने सारे ही ब्रेड पकौड़ा बना दिए। मम्मी को भी बोल दिया कि आ जाइए नाश्ता यहीं कर लीजिएगा, वैसे भी बारिश का मौसम था तो थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा हो गया, ब्रेड रोल हो गया, या फिर कोई बेसन के अलग अलग टाइप के पकौड़े बनाते हैं तो ये सब बारिश में थोड़ा अच्छा लगता है। और मम्मी भी आ गई थी, संध्या मासी भी आई थी, आंचल भी उठ गई थी, तो फिर मैंने सभी के लिए बना दिया। बस 2 बचे थे जो कि मैंने बाद में रख दिए कि चिंकी उठेगा तो फिर से वो खा लेगा क्योंकि उसको पसंद है। तो यहाँ पे सारा ही मैंने बना लिया था। उसके बाद में संध्या मासी ने फिर बनाई है सबके लिए चाय। तो ये था हमारा शुक्रवार सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेड पकौड़ा ही हम लोग बोलते हैं। आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि इसको ब्रेड रोल बोलते हैं। अब ब्रेड रोल भी मैं बनाती हूँ, वो भी इस टाइप से ही बनाती हूँ, बस वो ये है थोड़ी लंबाई में रहती है और उसको मैं पूरा ही रोल करके बनाती हूँ, तो इसको हम लोग ब्रेड पकौड़ा ही बोलते हैं। वैसे बेसन लपेट के जो बनाते हैं वो भी ब्रेड पकौड़ा ही होता है। तो बस यहाँ गर्मा गर्म बना लिए थे, बिल्कुल क्रिस्पी बने थे। तो ये और चाय हम सब ने ही बैठ के फिर खाया है, और साथ में ही हम लोगों ने बिग बॉस भी देखा है। तो हम लोग सभी लोग जब बैठ जाते हैं तो बिग बॉस ज़रूर देखते हैं, स्पेशली मुझे और आंचल को बिग बॉस देखना बहुत पसंद है। और अब मैं डायरेक्ट ही आपसे शाम के टाइम पे मिल रही हूँ, बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और थोड़ा बाज़ार हाट भी हम लोग करने के लिए निकल जाते हैं, तो इस टाइम पे 5 भी नहीं बजे थे और ये छुटपुट अंधेरा सा हो गया है। बस मम्मी के घर पे गई थी मैं, और आपको दिखाती हूँ मम्मी के घर का बाहर का जो मेन डोर है उसकी लाइटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बट आपको वीडियो में कितनी समझ में आएगी मुझे नहीं पता, बट बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब मेरे दरवाजे से भी बहुत ज़्यादा सुंदर। तो दीपावली में मैं जाऊंगी तो एक बार आपको और मतलब सामने से अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। तो यहाँ क्या है ना कि अभी अच्छी खासी रोशनी है, और ये सब लाइट क्या है कि थोड़ा जैसे अंधेरा रहता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बट बहुत ही सुंदर लाइट लगी है। मैं आपको ज़रूर से दीपावली में दिखाऊंगी। तो उस टाइम क्या है कि थोड़ा रात भी रहेगी तो लाइट अच्छी तरीके से दिखाई देगी। बस मम्मी के पास में गई और हमने बैठ के चाय वगैरह पिया, और फिर मैं घर आई हूँ, काफ़ी कुछ मैंने काम किए हैं, उसके बाद फिर खा पी के हम भी सो गए थे। अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे सैटरडे सुबह। तो ये मैंने बेडशीट और पिलो कवर सारे मैंने धो लिए थे, बस घर पे स्टैंड में ही सुखाए हैं,
और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने शायद कई बार मुझसे इस स्टैंड का लिंक मांगा है, मैं दे नहीं पाई हूँ उनको। डियर, ये कुछ 1600 या 1700 का है, अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया है, आपको इजीली अवेलेबल होगा अमेज़ोन में, आप ज़रूर से वहाँ पे सर्च कीजिएगा। आप सभी को शनिवार सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो पूजा करने के बाद सीधी चली आई हूँ किचन में, और अभी मैंने कुछ भी ना चाय बनाया है ना नाश्ता किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तैयारी की है नमकीन बनाने की, तो इसको आप 2-in-1 नमकीन बोल सकते हैं। खारी जो होती है एकदम वैसी भी लगती है, चाय में डुबो के भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल लेयर्ड वाली जो होती है ना नमकीन, बस वही है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही बढ़िया बनी है, कुछ ही सामान से बन गई है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो से थोड़ा ही कम मैदा लिया है, 750 ग्राम होगा। उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन को, 1/2 टीस्पून अजवाइन होगी, उसको मसल के हाथ से डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला है और रिफाइंड ऑयल डाला है। तो एक बार मैंने 2 चम्मच के करीब डाला था, 2 टेबलस्पून बोल लीजिए, फिर से 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। टोटल मैंने 3 टेबलस्पून इतने मैदा में ऑयल को मैंने मोयन के लिए डाला है, तो इससे थोड़ी क्या है कि खस्ता बनेगी। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है, और हींग डालना मैं भूल गई थी, तो फिर से मैंने हींग डाली है। कुल मिला के यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल को मैंने डाला है, और इसमें हींग आप ज़रूर डालिएगा। कोई भी नमकीन आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, मीठी वाली में नहीं, नमक वाली में तो डाल ही दीजिए। तो ये लड्डू बन रहे थे, इसका मतलब ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है, और यहाँ मैंने डाली है हींग। और फिर से इसको मिक्स करके नॉर्मल पानी से मैंने थोड़ा हल्का सा नरम आटा मैंने गूंथ लिया था, जैसे कि रोटी के लिए गूंदा जाता है। इसके लिए टाइट आटा गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो आटा मैं लगा रही हूँ, इससे आप मठरी भी बना सकते हैं, नमक पारे भी बना सकते हैं, और अलग अलग तरीके की कोई भी आप नमकीन इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी तरीके की नमकीन बनाने के लिए। तो आटे को अच्छी तरीके से मसल के मैंने गूंद लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इतना सॉफ्ट है आटा। बस इसको मैंने सूखे कपड़े से ढक के रखा है। अब इसको आपको रेस्ट पे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक मैं यहाँ पर स्लरी बनाऊंगी, और घी और मैदा की। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून आप समझ लीजिए घी लिया है मैंने, क्योंकि मैदा बहुत ही ज़्यादा है जो मैंने गूंदा है। और इसमें 3 चम्मच या 3.5 चम्मच के करीब मैंने मैदा डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और फिर से मैंने 1 चम्मच डाला है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के करीब मैदा डाला, और इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा आप इसका घोल बना लीजिए। तो इसको कैसे लगा के यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। इससे जो नमकीन की लेयर है बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी, और नमकीन काफ़ी खस्ता बनती है। यहाँ इस जगह को पूरा बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये एकदम थोड़ा सा पतला बेलना है और लंबा बेलना है, तो वो इस पे अच्छा बेला जाएगा। तो यहाँ अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे बेल बेल के एक एक शीट रखेंगे, और उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। सो आटा जो रखा था वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। बस इसको थोड़े थोड़े पोर्शन में, यहाँ पर मैं 3 से 4 पोर्शन में कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप की नमकीन बनाई है। इसके बाद मैंने फिर से 1 किलो मैदे की फिर से बनाई थी, क्योंकि जितनी मैंने अपने पास रखी उतनी ही मैंने मम्मी पापा के पास भी भेज दी थी, कि चाय वगैरह के साथ में अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा मोटी जो लोई होती है वो मैंने नहीं ली है आटे की, तो बस इसको, इसमें कुछ घी या आटा भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी नहीं है, अच्छी तरीके से आप इसको बेल पाएंगे। तो थोड़ा सा पतला बेलेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये इतना काफ़ी है। और मैदा है तो आप जितनी मतलब उसको बड़ा बेलेंगे, जितना बड़ा बेलेंगे वो थोड़ा थोड़ा जैसे सिकुड़ता है मैदा। और आप चाहें तो, मैंने तो इसको पूरा मैदा से बनाया है, आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था स्लो गैस पर, और 3 मैंने अच्छी तरीके से ये पूरी रोटी टाइप की बेल ली है।
और ये जो स्लरी बनाई है मैंने, तो इसमें उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून या फिर एक टी स्पून। तो अच्छी तरीके से आपको एक एक कोने में बीच में बहुत बढ़िया तरीके से लगानी है, तभी इसकी जो परत है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी। बस एक में लगाया, फिर दूसरी रोटी मैंने रखी है उसके ऊपर भी लगाऊंगी, और फिर तीसरी जो मैंने बेल के रखी है रोटी बस उसको लगाया है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। फिर इसको फोल्ड करके कैसे बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये जो स्लरी है इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको लगाना है, अगर आपको अच्छी परत चाहिए तो, क्योंकि जो लेयर है वो इसी से निकल के आएगी। बस उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और फिर जब बेलेंगे आप इसको तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर डाल के नहीं बेलना है। बस इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट या मतलब हार्ड नहीं गूंदना है, यही रीज़न है। अगर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके इसको बेलना पड़ेगा, क्योंकि ये मैदा है, गेहूं का आटा तो है नहीं। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही बेल लीजिए, अपने पसंद के हिसाब से आप कोई भी शेप कट कर लीजिए। मैंने खारी का शेप दिया है इसको, और छोटे बड़े सारे ही पीसेस के हिसाब से मैंने इसको कट किया है। बाद में मैंने थोड़े बड़े बड़े भी बनाए थे, जैसे खारी बिस्किट होता है जिसको चाय में डिप करके खाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना मोटा मैंने इसको रखा है, क्योंकि तीन रोटी इसमें पूरी लगा लगा के और कट किया है, और इसी से इसमें काफ़ी अच्छी लेयर निकल के आएगी। तो बस तेल को इतना गर्म करना है कि ये जो मैंने थोड़ी छोटी सी लोई डाली है इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, और इस टाइम पे गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है। तो इसको क्या कीजिएगा आप कि 2 से 2.5 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही रखिएगा, उसके बाद लो टू मीडियम गैस पर आप इसको चलाते हुए सेकिएगा, और इस नमकीन को तेल में डाल के थोड़ी देर आप टच मत कीजिए, ये खुद से ही ऊपर आएगी। बस उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए, बट ये जैसे ही आप पलटेंगे ना तो ये पलट के रहेगी नहीं, बार बार अपने आप से पलटती जाएगी। तो इसको चलाते हुए सेकना है, और बहुत जल्दी ये मतलब सेक जाएंगी, और ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा जैसे डार्क कलर ना हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि नमकीन जो होती है ना वो ठंडी होने के बाद में उसका कलर थोड़ा सा जैसे डार्क अपने आप से ही हो जाता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए लेयर कितनी अच्छी निकल के आई है। तो इस तरीके की नमकीन भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए 8 से 10 दिन पहले से मैं स्टार्ट होती हूँ ये सब बनाना। अब उस दिन मैंने वो वाली मठरी टाइप बनाई थी चकली डिज़ाइन की, और अब 2-3 दिन के बाद में ये मैंने बनाई है आज 2 नमकीन। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली काम हो जाता है, हड़बड़ी नहीं मची रहती है। बाज़ार हार्ड भी होता है, घर के काम भी इतने रहते हैं त्योहारों में, तो इतने दिन पहले से स्टार्ट होना तो मतलब बनता ही है। 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो जाओ तो फिर काम नहीं हो पाता है कोई भी। और देखिए मैं पलट रही हूँ तो ये अपने आप से दोबारा से मतलब पलट जा रही है, इसीलिए इसको चलाते हुए बिल्कुल सेक लीजिए। तो ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिकेगी, और बस इस तरीके का कलर आ जाए तो इसको निकाल दीजिए आप। और ये वाली मैंने थोड़ी सी लंबी लंबी बनाई है, ये पूरा ही खारी का शेप है, जब सिक के निकल के आएगी तब आप देखिएगा। तो मैंने छोटी बड़ी सारी ही साइज़ की मैंने बनाई है। अभी फ़िलहाल इतनी सिक गई हैं, और इसका मैं आपको क्रंच दिखाती हूँ, आवाज़ आएगी इसमें से। ये देखिए जैसे खारी होती है ना, खारी बिस्किट या फिर बुक, और लेयर आपको समझ में आएगी सारी। ये देखिए, तो एक की आपको मैं आवाज़ अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी बनी है, ट्राई कीजिएगा। आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ, ये चाय बन गई है हमारी, और चाय के संग बहुत अच्छी लगेगी ये। इसको आप दोनों टाइप से खा सकते हैं, नमकीन की तरह भी और खारी की तरह भी।
अब ये जो लेयर वाली बनाई है ना, तो ये इतनी मैंने बनाई है। ये देखिए लेयर कितनी बढ़िया निकल के आई है, एकदम खारी बिस्किट की तरह। तो 2-in-1 नमकीन है, ये मैंने इतनी बनाई है। और ये जो आटा लगाया है, अब इससे आपका मन करे तो मठरी भी बना लीजिए, नमक पारे बना लीजिए, किसी भी डिज़ाइन की कोई भी नमकीन बना लीजिए। तो ये इतना बना लिया है, अब बना रही हूँ नमक पारे। सो बस इसके बाद मैंने नमक पारे बना लिए थे, और ये मतलब मैंने दो बार में ये नमकीन पूरी बनाई है। अभी जो आपको प्लेट में दिख रही है वो तो लेयर वाली बनाई है, कुछ मैंने यहाँ पे नमक पारे बना लिए थे, थोड़ा सा मैदा अभी और रखा हुआ था उसका भी मैंने नमक पारा बनाया, और फिर जितना मैदा मैंने गूंदा था फिर से दोबारा मैंने 1 किलो के करीब मैदा गूंदा, और वो सारी की सारी नमकीन मैंने भेजी है मम्मी के घर पे। तो एक ही बार में बन भी गई, और स्लरी भी मैंने इतनी बनाई थी कि दो बार मुझे बनाना ही था, तो इसीलिए मैंने उसको भी बढ़ा के बनाया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे आधा किलो या 1 किलो मैदा की ही बना रहे हैं तो स्लरी को आप बिल्कुल आधा ही बनाइएगा, क्योंकि उतने में ही आपका काम बन जाएगा। ये वाली नमकीन भी बन गई, ये इतनी बनाई है, अब एक्स्ट्रा और बन रही है, इसकी भी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है, एकदम बढ़िया, क्योंकि मोयन एकदम सही लगा है इसमें। ये देखिए बस फटाफट मैंने सारे नमक पारे बना लिए थे, ज़रा सा मैदा गूंदा हुआ और रखा था उसका भी मैंने नमक पारा ही बनाया, और ये मैंने पूरा 1 किलो के करीब मैंने निकाल लिया था मैदा, फिर से सारा वही सामान डाल के मैंने गूंदा है, एंड देन मम्मी के घर के लिए मैंने पूरा बना के दिया। और समय तो लग ही जाता है इन सब चीज़ों में। चलिए आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ट्राई भी कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।